पाकिस्तान में स्थित वो वाहिद सूबा है जहाँ पर हम पर एक 13 सालों से इम्तहान है और वो इम्तहान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी की शक्ल में है। पीपल्स पार्टी ने अपने पिछले अखबार में अंदरून सिंध कराची हैदराबाद से आगे के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ के लोगों से रोटी कपड़ा मकान छीन लिया, पानी छीन लिया, तालीम छीन ली, हत्ता ये के जिस्म में से बच्चों के कपड़े छीन लिए, पैरों में से चप्पलें छीन ली, पेट की रोटी छीन ली और लोग साल उम्मीदें लगाने के बाद सिंध के देही इलाके के लोगों ने इन हालात को पीपल्स पार्टी के जुल्म सितम को कई डेकेड से सहने के बाद उसको किस्मत का फैसला समझ के कबूल कर लिया। सिर्फ में आप सफर करें तो आपको बच्चे रोडों के दोनों तरफ नजर आएंगे जिसके अगर उसने ऊपर कमीज पहन रखी होगी तो नीचे कि पतलून उसके पास नहीं होगी, नीचे उसने पतलून पहन रखा हो तो उसके पास कमीज नहीं होगी, किसी के पैरों में चप्पल नहीं है। थर में वहां से लोग पानी पीते हैं जहां से जानवर पानी पी रहे हैं, माएं बहनें 12-12 किलोमीटर दूर से पानी सरों पे उठाकर सफर करती है लेकर आती है। तो सिंध के लोगों ने तो अब कॉम्प्रोमाइज करके खामोशी अख्तियार कर ली क्योंकि उन्होंने इसको अपनी किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लिया। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो मायूस हो गए और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही अमल कराची और हैदराबाद में दोहराना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद के शहरी इलाके के लोगों को भी सिंध के थर के इलाकों जैसा बनाना चाहती है, सिंध के दूसरे इलाकों जैसा बनाना चाहती है। इसकी कोशिश जारी है 13 सालों से। एक कतरा शहरों में नया पानी नहीं है, जो पानी लाइनों में आता है उसके ऊपर भी हाइड्रेट बनाकर अरबों रुपए का पानी उसी शहरों को बेच रहे हैं। एक ट्रांसपोर्ट की नई बस नहीं है, दुनिया में पाकिस्तान के दूसरे शहरों में मेट्रो बसेस चल रही हैं, BRTs चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, कराची हैदराबाद में चिंची रिक्शा चल रहा है, कराची हैदराबाद के बसों की छतों पे भी जगह नहीं है। 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। हम नहीं कहते कि रोजगार नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस माशरे में इंसाफ ना हो वो माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है सिंध में, इसी पीपल्स पार्टी ने कोटा सिस्टम राइज कर रखा है, 60-40 का कोटा राइज कर रखा है इसी पीपल्स पार्टी के बड़ों ने। हम जिस पार्टी में पहले थे वो इस कोटा सिस्टम को खत्म करने का दावा लेकर चली थी, 40 सालों में खत्म नहीं कर सके, पार्टनर दिन क्राइम बन गए। आज की जो पीपल्स पार्टी है वो जो कोटा इनके बड़ों ने राइज किया था, ये उस कोटे पे भी शहरी इलाकों का कोटा नहीं दे रहे। 2.5 लाख नौकरियों में 40% कोटा शहर का होना चाहिए था, उस कोटे पे भी 40 डोमिसाइल बनाकर वहां पे भी उस कोटे को भी शहर से बाहर से लोगों को लाकर जाली डोमिसाइल बनाकर पैसे लेकर नौकरियां दी जा रही है। 70 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है सिंध में। सिंध की अपनी हुकूमत का रिकॉर्ड उन्होंने जारी किया कि 13 सालों में उन्होंने 2300 अरब रुपए खर्च कर दिए तालीम पर। 2300 अरब रुपए खर्च करने के बाद सिंध में आज 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 49,000 स्कूल है जिसमें 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 70 लाख लोगों की आबादी वाला मुल्क जो दुनिया में 50 मुल्क इससे छोटे हैं। दुनिया के 50 मुल्कों से बड़ी आबादी जो है वो हमारे पास सिंध में सिर्फ स्कूल में नहीं, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की है। आज सेहत और सफाई का ये हाल है कि लाड़काना में बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं तो वो सफर करते हैं ऑल द वे कराची, उनको कहीं वैक्सीन नहीं मिलता और कराची जाकर
माओ की गोदों में मासूम बच्चे जो है वो अपनी जाने दे रहे हैं, अब तो कराची में भी कुत्ते काट रहे हैं और वहां पर वैक्सीन नहीं है, ये हाल है। तो कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत तासुब की बुनियाद पर सियासत कर रही है, हुक्मरानी कर रही है, तासुब नस्ली तासुब की बुनियाद पर सियासत और हुक्मरानी कर रहे हैं। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि हमने इस सिंध से तासुब की सियासत को खत्म किया, जहां पर कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले जबह होते थे, आज अल्लाह का शुक्र है कि कोई नहीं मर रहा, अल्लाह ताला ने यह काम हमसे करवाया। आज जो लोग दंदनाते फिर रहे हैं, जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, आज हमने शहरों की अमन की कॉस्ट पे की है। मैं जब ये बात कहता हूं तो मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारा ये एतराज यह इस पीपल्स पार्टी के हुक्मरान जमात से है, हमारा ये एतराज हमारे सिंधी भाइयों से नहीं है। सिंध के भाई, सिंध की हमारी माएँ बहनें हमसे ज्यादा मजलूम हैं, हमसे ज्यादा उन पर जुल्म है और आज वो हमारे साथ हैं। तो मैंने जैसा पहले कहा कि पहले सिंध के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, पाक जमीन पार्टी की सूरत में उनके पास एक ऑप्शन है। हम लाड़काना गए तो लाड़काना के लोगों ने हमारी तारीफ की, हमारे जलसे को कामयाब बनाया। कराची से लेकर कश्मीर तक हम तमाम इकाइयों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे अगर इस तमाम 5 साल दौर में तमाम विद्यार्थियों को देखने के बाद आज मुझे अगर किसी से गिला है तो सिंध के दानिशवरों से, वो दानिशवर जो कि पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता नहीं है या हिमायत नहीं करते और वो पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ रखने के बावजूद भी सिंध के जो दानिशवर हैं वो मुहाजिरों के ऊपर और कराची और हैदराबाद के उर्दू बोलने वालों के ऊपर होने वाली ज्यादतियों के ऊपर ना एक लफ्ज बोलते हैं ना एक लफ्ज लिखते हैं। इस मुहाजिरों के ऊपर, पीपल्स पार्टी की तरफ से होने वाली ज्यादतियों के ऊपर सिंध के दानिश्वर, हमारे सिंधी दानिश्वर, उन्होंने एक मुजरिमाना खामोशी अख्तियार कर रखी है। माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, हम अपने लोगों की गलत चीज़ों के ऊपर बबा के दौर हमने गलत को गलत और सही को सही कहा है और हमने हर दफ़ा आवाज़ लगाई है कि सिंधी हमारे भाई हैं, लेकिन सिंध के वो लोग जो कि पीपल्स पार्टी के नहीं है, चले जो पीपल्स पार्टी में हैं उनकी तो मजबूरी हो सकती है सियासी, लेकिन जो पीपल्स पार्टी में नहीं है उनकी तो सियासी मजबूरी नहीं है, लेकिन सिंध के लोगों की तरफ से मुआजरों पर होने वाले जुल्म के ऊपर एक भी आवाज़ नहीं आई है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। हम अपने रास्ते को कभी नहीं बदलेंगे, हम इस जोड़ने वाले अमल को कभी नहीं बदलेंगे, इसलिए कि हम ये काम अपनी पोजीशनों के लिए, अपनी पावर के लिए, अपनी सीटों के लिए नहीं कर रहे, अपने वोटों के लिए नहीं कर रहे, हम अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए कर रहे हैं और अल्लाह की रजा को हासिल करने की अगर नीयत है तो हमारा ये ईमान है कि सारी जुबानें बोलने वाले जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और मैं अपने वोटों के लिए इनमें मैं टुकड़े टुकड़े नहीं करूँगा, इनको मैं सिंधी मुहाजिर पख्तून बलोचों में मैं नहीं इनको बांटूंगा। ये हमारा नजरिया है, ये हमारा विजन है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। इस वजह से मैं कभी भी किसी भी वक्त आखिरी सांसों तक मैं कौमियतों को तोड़कर, कौमियतों के खिलाफ आवाज लगाकर, खुदा ना खास्ता इनको लड़ाकर वोट नहीं मांगूंगा। एक तो ये बात है, आज सिंध के शहरी इलाकों में इलेक्शंस के बाद, बल्दियाती इलेक्शन के टेन्योर खत्म होने के बाद वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं। आईन और कानून में एडमिनिस्ट्रेटर की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इलेक्शन बल्दियात का टाइम खत्म हो गया था, नए इलेक्शन करा देने चाहिए थे। अगर कराची और हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटर, पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाना जायज है तो फिर कल को जब वजीर आला का टेन्योर खत्म हो तो फिर हम ये मुतालबा करते हैं कि उसके बाद भी इलेक्शन ना करा जाए और यहाँ पर फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर सिंध में लगा दिया जाए, कहेंगे हालात सही नहीं है, इलेक्शन नहीं करा सकते, तो कैसा लगेगा? उस वक्त आपका आईन खतरे में पड़ जाएगा, आपका कानून खतरे में पड़ जाएगा, आपका सिंध खतरे में पड़ जाएगा, आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा।
कल वो वजीर आजम का टेन्योर खत्म हो तो वजीर आजम के इलेक्शन कराने के बजाय आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन कराने के बजाय आप मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें, तो फिर ये बात कहीं नहीं रुकेगी। ये ज्यादती वाली बात है, इससे महरूमियां फैल रही हैं। आज का जो दौर है पाकिस्तान में, आज के जो हालात हैं, वो इस बात के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते कि इस तर्ज की आप हुक्मरानी इस मुल्क में चलाएं। मैं पाकिस्तान चलाने वालों को वफाकी हुकूमत, उसके इदारे, सूबाई हुकूमत, उसके इदारे, मैं सारे पाकिस्तान को आवाज़ और इस मीडिया के लोगों को आवाज़ लगा के कहता हूँ कि पाकिस्तान ये अफगानिस्तान